हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी ब्लूमिंग हो रही है मिनी सनफ्लावर में। तो ये बहुत अच्छी सी ब्लूम करते हैं और ये नॉन केयरिंग प्लांट होते हैं, इनमें ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। तो इस समय भी इनका सीज़न है, ये समय भी ग्रो हो जाती है। और मैंने ना ये काफ़ी प्लांट निकल आए हैं क्योंकि मैंने इनके सीड ग्रो नहीं किए, क्योंकि मैं हमेशा लगाती रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं इनके सीड मिट्टी में रह गए होंगे और ये अपने आप ही ग्रो हो गए हैं। तो बहुत अच्छी सी इसमें ब्लूमिंग आई हुई है। और ये करेले के प्लांट मैंने इसमें लगा रखा था इस पॉट में, तो इसी पॉट में इसका बीज कहीं रह गया होगा, तो इसमें ये प्लांट उगाया है। बहुत ही खूबसूरत सी ब्लूमिंग कर रहा है, तो मैंने कहा चलिए आज आपसे शेयर करती हूँ। तो ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं और ज़्यादा इनमें केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑर्नामेंटल होते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये सनफ्लावर की मिनी सनफ्लावर वैरायटी है, तो इसमें इतने ही छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। और ये देसी वैरायटी है, तो सीड भी आप देख सकते हैं काफ़ी जल्दी बन जाते हैं, जैसे ही फ्लावर ओवर होता है और इसमें सीड बन जाते हैं। तो इसको बिल्कुल आप आराम से लगा सकते हैं और इस समय इनके प्लांट भी मिल जाएंगे, तो आप इनके प्लांट भी लगा सकते हैं। अगर इनके सीड मिल जाएँ तो सीड भी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। इस समय मैंने आप बहुत इनके बेबी प्लांट निकल आए हैं, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये गुलदौदी के पॉट में निकल आया है इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट, काफ़ी हेल्दी है। इसी तरह से मेरे काफ़ी पॉट में निकले हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये एक और आ गया, गुलदौदी का ही पॉट है, उसमें भी आप ये देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी सा ये प्लांट निकला हुआ है सनफ्लावर का। और इधर भी आप देख सकते हैं, ये भी गुलदौदी के ही पॉट हैं, उनमें भी ये काफ़ी अच्छे से प्लांट निकल आए हैं। ये देखिए, एक तो आपको सामने दिख रहे होंगे और एक मशरूम के पास दिख रहा होगा, तो काफ़ी हेल्दी निकलते हैं। इनमें कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की भी नीड नहीं होती है, तो ज़्यादा केयर भी आप इसमें करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ढेर सारी ब्लूमिंग देते हैं ये प्लांट। और इस पॉट में भी आप देख सकते हैं काफ़ी प्लांट निकल आए हैं सनफ्लावर के। तो मैंने इसमें ग्रो नहीं किए थे, मैंने इसमें डॉग फ्लावर लगाए हुए हैं। आप डॉग फ्लावर भी देख सकते हैं, नन्हे नन्हे से निकले हुए हैं, साथ में ये मिट्टी में इनके सीड रहे होंगे, तो ये भी ग्रो हो गए हैं, तो काफ़ी अच्छे से हेल्दी ग्रो हुए हैं। तो एक बार फिर से मैं इनकी ब्लूमिंग के पास आ गई हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही, जब ये खिलते हैं ना तो बहुत ही प्यारे से लगते हैं और इतने ही ढेर सारे ये ब्लूमिंग करते हैं। और इनमें कई वेराइटी आती है, बड़ी वाली वेराइटी भी आती है, वो भी मैंने लगाई थी। और ये सबसे छोटी वैरायटी है, इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी आपको मिल जाएगी, जिसकी प्लांट की हाइट छोटी होती है पर थोड़ा सा फ्लावर साइज अच्छा बड़ा होता है और काफ़ी सारे पेटल्स भी होते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे सिंगल पेटल्स वाले ही फ्लावर हैं। तो ये देसी वैरायटी है, ईजिली सीड से ग्रो हो जाती है, बस आपको एक बार इनको लगा लेना है, तो फिर ये हमेशा आपके गार्डन में ऐसे ही मेंटेन रहेंगे। आप इनके सीड सेव भी कर सकते हैं, पर सीजन आने पे इनके जो सीड होते हैं वो मिट्टी में ही सेफ हो जाते हैं, तो वो अपने आप ही ग्रो भी हो जाएंगे, तो सेव करने का भी इतना झंझट नहीं रहेगा। तो मैं इसी तरह के ही प्लांट लगाती हूँ, आप देख रहे होंगे साथ में जो गैम्फ्रेना के भी कई प्लांट इसमें निकल आए हैं। तो मिट्टी में अक्सर इनके बीज सबके रह जाते हैं और वो जहाँ जहाँ आप मिट्टी यूज़ करेंगे वहाँ वहाँ ये प्लांट अपने आप ही निकल आएंगे। तो गैम्फ्रेना भी आप दिख रहे हैं काफ़ी अच्छा से हेल्दी खिले हैं, इनके फ्लावर भी अच्छे से निकल रहे हैं। केयर की बात करें तो कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती है, बस इनको अच्छी सी आप सनलाइट दीजिए, किसी भी नॉर्मल सॉइल में आप इन्हें लगा सकते हैं, नॉर्मल वाटरिंग कीजिए जैसे आप सभी प्लांट को करते हैं। और कोई भी नॉर्मल फर्टिलाइज़र ज़रूरत नहीं है कि आपको मंथ में इन्हें कई बार फर्टिलाइज़र दें, इनको एक ही बार मिट्टी के साथ कोई भी फर्टिलाइज़र आप दे देंगे तो वो चल जाता है, क्योंकि इनमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी नीड नहीं होती है। ये ऐसे ही हेल्दी और हेल्दी ग्रो होते हैं और हेल्दी ही ब्लूमिंग करते हैं। कोई भी इनमें मुझे लगता है डिजीज़ भी नहीं होती, मैंने अभी तक इनमें कोई डिजीज़ नहीं देखी है, पर कभी कभी मिली बग इसमें लग जाता है, तो आप कोई भी पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। वैसे इनमें ज़्यादा मुझे ख्याल रखना नहीं पड़ता है, इन प्लांट के अंदर बहुत अच्छी सी ब्लूमिंग करते हैं। मिली बग का क्या है, जब वो प्लांट में लगेंगे किसी पे तो इनमें भी अटैक कर देते हैं, तो वो सभी में लग जाते हैं, पर इसमें कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा कोई डिजीज़ नहीं होती जो इनमें लगे, कॉमन डिजीज़ बस मिली बग के अलावा कोई डिजीज़ नहीं लगती है इनके अंदर। और ये ऐसे ही हेल्दी और ऐसे ही हेल्दी ब्लूमिंग करते रहते, तो बहुत ही खूबसूरत सी इनकी ब्लूमिंग मुझे लगती है। तो मैं ज़्यादातर देसी वैरायटी वाले ही प्लांट यूज़ करती हूँ, जिनके अंदर काफ़ी अच्छी सी सीडलिंग बन जाती है और वो हमेशा आपके गार्डन में अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं।
तो सूरजमुखी की ब्लूमिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो वैसे तो ये मार्च में खिलते हैं, पर ये फरवरी में भी अच्छे से लग जाते हैं, और इस समय तो ये इस समय ग्रो हो रहे हैं, तो इस समय भी आप इनको लगा सकते हैं। मार्केट में इनके प्लांट सीड्स सब इजीली मिल जाएंगे आपको, बस आपको मिनी सनफ्लावर बोलना पड़ेगा। तो ब्लूमिंग आप देखिए बहुत ही प्यारी सी लगती है, येलो शेड बहुत ही अच्छा लगता है गार्डन में अगर आप खिले हो। तो एक लास्ट का व्यू, थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।